कैलकुलेट क्या होता है कि जितना कैलकुलेटेड वेट है इसका और जितनी कैलकुलेटेड हाइट से आप इसको ड्रॉप करोगे ताकि ना तो वो ब्रेक हो और इजीली पेनिट्रेट भी हो जाए, जैसे फिगर में शो है। क्या पहले उसको ये हाइट है से जल्दी ड्रॉप करते जा रहे हो एंड लेंथ को पेनिट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक बाय हाइड्रोलिक चैंबर। हाइड्रोलिक चैंबर बेसिकली एक मशीन है जो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करती है वो फायर फाउंडेशन को पेनिट्रेट करवाने के लिए। और गैस से जो पायर फाउंडेशन वी फॉलो सम स्टेप्स। सबसे पहले गैस से जो के लिए आपको रिक्वायर होगा कि आप उसकी एक्सकेवेशन करोगे। एक्सकेवेशन करने के भी मेथड्स हैं। अब ड्रिलिंग करोगे। ड्रिलिंग में बेसिकली दो मेथड यूज होते हैं, रिवर्स रोटरी है वायर रिंग और एक हाइड्रोलिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन यूज की जाती है। द सेकंड इज स्टील फिक्सिंग ऑफ फाउंडेशन। आप उसकी स्टील फिक्सिंग करोगे एक साइड यार्ड पे, उसके बाद उसकी स्टील केज को लोड करोगे उस फाउंडेशन में और उसकी कंक्रीटिंग करोगे। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे, रिवर्स रोटरी बेसिकली एक वेट मेथड होता है जिसमें आप वाटर यूज करते हो किसी भी साइड को ड्रिल करने के लिए या एक्सकेवेट करने के लिए। Then this method of drilling used where maximum depth is required up to 40 to 50 meter. क्योंकि auger जो होती है उसका अपनी एक boom की length होती है जो उसका अगर उस length से ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता, तो इसलिए reverse rotary इसके साथ extension लग सकती है। जैसे basically अब ये देखें, ये एक rod नजर आ रहा है, ये अंदर से hole होता है और ये पिट है, यहाँ से वाटर इसके अंदर होगा और यहाँ पे एक पिट लगी होती है जो इसको स्लश बनाती है। उस स्लश को आप इस पंप के जरिए आप बाइप फेंक देते हो फिर उसी पिट और ये सर्कुलेट करती है। जब ये रॉड खत्म हो जाएगा तो इसके साथ एक्सटेंशन लग जाती है जितने की भी आपके पास रॉड डेप्थ का मौजूद हो और आप इसे जितनी चाहे उतनी डेप्थ आप कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन ये बेसिकली ब्रायन मेथड होता है। आप जितनी 25 टू 30 मीटर डेप्थ तक इसे एक्सकेवेट कर सकते हैं। मेबी ये 30 मीटर से अबव भी 35 मीटर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन इसका बूम कितना है। स्टील केज फिक्सिंग एंड लोडिंग। मतलब आप स्टील केज किसी भी स्टील यार्ड में आप उसको फिक्स करते हो बाय बार्स को उठाते हो और जिस शक्ल के आपने उसको डिजाइनर ने आपको दिया है आप उसको डिजाइन करके उसको फिक्स कर लेते हो। उसके बाद इसकी लोडिंग करते हो वह हाइड्रोलिक मशीन, क्योंकि इसका अपना वेट बहुत ज्यादा होता है केज का। नॉर्मली आप हैंडलिफ्ट से तो कर नहीं सकते, तो इसको आप हाइड्रोलिक मशीन से करते हो और इसको ड्रिल एरिया में लोड करवा देते हो। कंक्रीट ड्रिलिंग बाय वेट मेथड। बेसिकली दो मेथड होते हैं किसी भी ड्रिलिंग कंक्रीट करने के लिए। एक वेट मेथड है मतलब जिसमें पानी मौजूद है तो आप उसको कैसे कंक्रीट करोगे और जिसमें पानी मौजूद नहीं है तो आप उसको इजीली कंक्रीट कर सकते हो। पहले मेथड में वेट मेथड में ये एक पाइप रॉड होता है उसके ऊपर एक बकड़ लगी होती है जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आप इसको कंक्रीट करते हो, आपको पता है कि 30 मीटर डेप्थ पे जाके मेरा बॉटम है तो आप 0.5 मीटर ऊपर रख के उतने पाइप इंस्टॉल कर देते हो उसमें। उसके ऊपर रख देते हो बकड़ 2 क्यूबिक मीटर की भी हो सकती है, 1.5 क्यूबिक मीटर की भी हो सकती है। जब आप इसको फिल कर लेते हो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये वायर, बेसिकली वायर इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके नीचे एक स्टॉपर लगा होता है। जब वो कंक्रीट बकेट भर जाता है तो सडनली इसको उठा देते हैं। ये इसलिए उठाते हैं ताकि पानी और कंक्रीट आपस में मिक्स ना हो। कंक्रीट का वेट ज्यादा है तो वो एक लेयर बना के नीचे की तरफ मूव करेगी और पानी को बाहर निकालेगी जैसे ये पानी बाहर निकल रहा है, और पूरी स्पीड के साथ आप उसको कंक्रीट फिल करते हो ताकि के नीचे बेड बन जाए और पानी और कंक्रीट के दरमियान में एक स्पेस बन जाए। कंक्रीट नीचे रहे और पानी ऐसे ऐसे ऊपर उठता जाता है। आप उसको कंक्रीट कर लेते हो और जब तक आपको ऊपर कंक्रीट नजर नहीं आ जाती तब तक आप उसको कंक्रीट कर लेते हैं। और ड्राई मेथड में सिंपल आपके पास ड्राई है जैसे किचन फाउंडेशन है तो वो इंटरनली मैक्सिमम टाइम ड्राई होती है क्योंकि साइड ऑफ एक केसिंग लगी होती है तो आप उसको सिंपली कर सकते हो। केसर फाउंडेशन इंस्टॉलेशन मेथड सेम है उसी तरीके का, लेकिन इसमें सिर्फ मेजर डिफरेंस है आप उसमें केसिंग इंस्टॉल करते हो। केस एरिया में होता है जहां पे ज्यादा सैचुरेटेड स्ट्रेटा हो, ज्यादा वेट एरिया हो, जाकर आप किसी रिवर शोर्स पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे। बाकी इसके इंस्टॉलेशन टेक्निक्स अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। और इस इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको ओवरकम कैसे किया जाए उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप
because while penetration safety version में dropping weight from specific weight. अब इसमें सबसे ज्यादा कि आप कितना वेट आप लोगों को कैलकुलेटर निकाला हुआ है आप उतना ही डालोगे. ये नहीं कहोगे कि मैं ज्यादा जल्दी काम करने के लिए वो बेबी वो पाइलिंग ब्रेक हो जाए. और इसमें ये विद कैलकुलेटेड वेट है सर. कॉस सेंसिटिव फाइल सेफ्टी क्वेश्चन में ट्यूनिंग वेट मेथड के लिए ड्रिलिंग मेंटेन वाटर लेवल. जब आप किसी भी एरिया को एक्सक्यूवेट करते हो जाहिर बात है एक सडन हाइट डेप्थ तक आप एक वॉल एक एरिया को एक्सक्यूवेट कर सकते हो. उसके बाद वो लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाएगी. अब अगर आप 14 मीटर तक डेप्थ में अगर आप उसको ड्रिल कर रहे हो तो उसके वॉल को कोई ऐसा प्रेशर जनरेट करवाना पड़ेगा ताकि वो स्लाइडिंग ना करे. तो हम उसका वाटर लेवल बिट लेवल मेंटेन रखते हैं. बिट एक होती है जिसपे आप एक्सक्यूवेटर जहां में हमने दिखाया है कि पानी उसके लेवल के हिसाब से मेंटेन रखते हैं ताकि वो दीवारों पे प्रेशर बना के रखे. इसे मेंटेन करना पड़ता है. और जब एक्सक्यूवेट हो रहा होता है तो मे भी उसके अंदर कोई जब एक्सक्यूवेट करते हैं तो स्पॉट बन जाए अंदर वॉल बिल्कुल वेल फिनिश ना बने तो पानी उस जगह को काटना शुरू करेगा. जहां से उसको रास्ता मिलेगा वो उसको तोड़ेगा. उस स्मूथ सरफेस बनाने के लिए केमिकल पेट्रोलाइजेशन यूज किया जाता है. उस एरिया को स्मूथ बना देती है ताकि वो क्लैप्स ना करे. वो थैंक यू.